साथ लेके आ रही हूँ। हाँ, स्कूल से सीधा ही आ रहे। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। रोड पर बच्चों को अंदर की तरफ रखना चाहिए सेफ्टी के लिए। ठीक है, ओके, बाय बाय। अरे अरे रुको, मेरी स्कूटी। चोर चोर चोर। आ जाओ, बैठो। अरे सोचो मत, जल्दी बैठो। रुको रुको, वो रही मेरी स्कूटी वहां पर। स्कूटी को हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा। तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अगर उसको हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा। सुनो, तुम स्कूटी लेकर निकलो। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। निकल यहाँ से। आजा। मेरी छोटी सी हेल्प कर सकते हो? पिटवाना है किसी को। बताओ, क्या प्रॉब्लम है? कॉलेज के दिनों में विनोद नाम का एक लड़का प्यार करता था मुझसे। सौम्या, ये तुम्हारे लिए? मैंने कितनी बार कहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हें समझ में नहीं आता विनोद। मिस्ड कॉल्स पे मिस्ड कॉल्स, ढेर सारे मैसेजेस, टॉर्चर कर दिया था मुझे। 3 महीने पहले वो अपने साथ नर्सरी में एक गुंडे को लेकर आया। रम्या। हाँ। सौम्या किधर है? दीदी, वो वहाँ पर है। सौम्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये क्या है विनोद? मुझे डराने के लिए इन्हें लाए हो? हेलो हेलो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुमको सॉरी बोलना चाहता है। भाई, ये आप क्या कह रहे? सॉरी बोल। सॉरी सौम्या। अब चल निकल। भाई, सुना नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? सौम्या। हाँ, आज के बाद अगर मैंने तुझे सौम्या के आसपास देखा तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। चल जा। चल, इसको लेके जा ऐसे। चल निकल। मैं अपनी बात बनाने आया था भाई, बात बिगाड़ के रख दिया। थैंक्स। अब 1 सेकेंड। एक्चुअली मेरा नाम महारिषि है। भवानी की गैंग का आदमी है। महारिषि भवानी की गैंग का है? मैटर सॉल्व हो गया। डर गए क्या? तुम बताओ ना, बताओ। 6 महीने पहले मैंने तुम्हें एक सिग्नल पर देखा था। क्यों एक ही दिन में मैंने तुम्हें 3 अलग अलग जगहों पर देखा। उस दिन रात भर मैं सो नहीं पाया। मैंने डिसाइड कर लिया, अगले 6 महीने में अगर तुम मुझे दोबारा दिखी तो मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। तकदीर ने हमें आज फिर से मिला दिया। देखो, उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मतलब विनोद का टॉर्चर खत्म हुआ तो महारिषि का टॉर्चर शुरू। सही कहा ना? ये मुझसे मदद मांग रही है, लेकिन मदद तो ये मेरी कर रही है। अच्छा है। तुम फोन करोगी तो वो आ जाएगा। कहाँ बुलाना है बताओ? जायंट स्क्वायर ग्राउंड के पीछे बुलाना। एक्चुअली मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया। अगर तुमने कहा कि तुम्हारा बाप या तुम्हारा रिश्तेदार शादी के लिए तैयार नहीं है तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। एक साड़ी में आना, रानी की तरह रखूंगा मैं तुम्हें। एक्चुअली से साड़ी पहनना नहीं आता बॉस। तू कौन है? मेरा फ्रेंड। ये देखो रे, हमको मारने के लिए एक लौंडा लाई है। मुझे जानता तो है ना? जानता हूँ बॉस, लेकिन पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, फिर बात करेंगे। क्यों, तू यहाँ का डॉन है क्या? चल जा। बस 2 मिनट लगेंगे। चल ठीक है। अब समय उल्टी घूम जाओ और 10 तक गिनो, पीछे पलट के मत देखना। जाओ। मेरा नाम जयंत है। हाँ तो 1 दिया, मार डाला तुमने इन्हें। हाँ तो मेरी गर्लफ्रेंड को कोई सड़क छाप गुंडा तंग करेगा, मैं शांत रहूंगा क्या? मैंने इन्हें शांत कर दिया, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। तुम भी मुझसे प्यार करते हो। सेम, लव एट फर्स्ट साइट। अब से याद रखो, कोई भी तुम्हें जरा भी तंग करे तो तुम्हारा फियांसे उन्हें सीधा कर देगा, ठीक है ना? क्या है यार सौम्या, तुम्हारे लिए 3 लोगों का खून कर दिया, तुम हंसोगी भी नहीं क्या? मुझसे प्यार करती हो ना? तो मुझे आई लव यू कहो ना। आई लव यू। ओके जाओ जाओ। जाओ ना। You know her. हेलो, तुम्हारे लिए जूस ऑर्डर किया, तुम और कुछ लोगे? और कुछ नहीं, ये ठीक है। तो आज मेरे जीवन में डबल खुशी का दिन है। पहली, आज मैंने अपने हाथों से रामा स्वामी जी के पुतले का उद्घाटन किया, और दूसरी, रामा स्वामी जी के पोते सेल्वम आज हमारी पार्टी में आ गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम फिर से इस स्टेट में हमारी सरकार बना कर रहेंगे। सब इंस्पेक्टर एल्बर्ट के मर्डर केस में पुलिस आरोपी भवानी शंकर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाई है। सबूतों के अभाव, गवाहों के बयान और वकीलों की जिरा सुनने के बाद अदालत भवानी को बाइज्जत रिहा करती है। आज उस लड़की को उठा रहे हो ना जिस पर महान का दिल आया था। आज ही उठेंगे। राइट में जो आदमी है उसी ने मारा है महर्षि को। इसके बगल में जो खड़ा हो तो ठाकुर पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल है। तुम्हें पक्का पता है? हाँ सर। राजेश, जीप निकालो। दीदी, दीदी, दीदी। जय, भवानी का फोन है, बात कर। हेलो। ए शाने, मैं जानता हूं तू कौन है। तेरी छमिया मेरे पास है, अभी के अभी इससे लूर मिला जा। मैं आ रहा हूं। सब ठीक है ना? भाई हमसे मिलना चाहते हैं, तुम चलोगे साथ में? सुपर, एकदम सुपर। नहीं लेकिन पिछली बार की तरह लोचा मत कर देना, ढील एकदम फाइनल करना। चले? चाबी दे। ये ले। ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे राशन की दुकान में केरोसिन मिलने वाला है? सालों पुलिस वालों, मुझे सब पता है कि महर्षि को किसने मारा। भाई ये क्या कह रहे हो, हम तो आपसे सेटिंग करने आए हैं। मैंने ही ढोका है महर्षि को। ये सब कब और कैसे हुआ? और सिर्फ उसे ही नहीं, बबलू शेट्टी को भी उड़ाया है, और तेरे साथ भी यही करने वाला हूँ। गई जमीन हाथों से, खत्म कर दो साले को। यहाँ जमीन के साथ साथ जान के भी ला लेंगे। बहुत हिम्मत है तुझमें। तू अपनी मनमानी करेगा? किसके कहने पर कर रहा है तू ये सब? कमिश्नर ऑफ पुलिस, समझ गए? आई एम जयंत स्वामी, एसीपी स्पेशल ब्रांच। ये एक अंडरकवर ऑपरेशन है अल्बर्ट के लिए। आम इंसान को गुंडे तंग करें तो उन्हें भी पुलिस छोड़ती नहीं है। इसने तो पुलिस को मारा है, तो हम इसे जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं? इसीलिए मैंने उन सबको बीच सड़क में मारा है। ईमानदार पुलिस वाले को मारकर ये लोग खुद को शेर समझते हैं सर। आज उसी ईमानदार पुलिस वाले के लिए इन्हें खत्म करना उतना ही जरूरी है। आज के बाद इस शहर का हर एक गुंडा, हर एक बदमाश पुलिस से आंख मिलाने से पहले डर के मारे कांप जाएगा। तभी इस वर्दी की इज्जत रहेगी। ये खत्म तो इस शहर का जुर्म भी खत्म। तुझे क्या लगता है मुझे मारने से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी? आगे भी ये चलता रहेगा, ऐसा फिर होगा। अपनी मौत को देखकर हमें डरा रहा है। आज से तेरी कहानी खत्म। चाहे कोई भी सामने आ जाए, उसका अंजाम यही होगा। सेल्वम, मुझे मत मारो, छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। यकीन कीजिए मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। सेल्वम, मुझे मत मारो, मत मारो प्लीज। लाल भाई, इस बैग में दो खोखा माल है। लगता है सबकी बुरी तरह से बजी पड़ी है। शहर के सारे बिजनेसमैन को फोन लगा पक्या। अभी बहुत माल आने वाला है।